जो मानव के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके अलावा जो भारत में जिसको हम कहते हैं कि एक भाईचारा डेवलप करना है, या एक जो फ्रेटर्निटी जिसको हम कहते हैं, या स्वतंत्रता समानता, ये सारे मूल्यों को स्थापित करने का काम ये प्रयास किया गया है कि वो इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से किया जाएगा। और मतलब इस 21वीं शताब्दी में देखिए, अब चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, हमारे सामने आंतरिक जो परिस्थितियां हैं उसका भी, चुनौतियों का हमें मुकाबला करना है। मतलब अब हम ये देखें कि सिर्फ हम ये देख लें कि भाई हम हमारी जो आंतरिक परिस्थितियां हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं, बाहर की दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं और लगातार वो परिवर्तन हमारे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका इसका जो उच्चतर शिक्षा जो है, या उच्च शिक्षा है वर्तमान परिस्थिति में, ये नहीं है कि सिर्फ आप डिग्री बांट दें और आप आ गए और डिग्री लेके और चले गए, इसका सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है, वरन इसमें इसका अर्थ, इसका उद्देश्य ये है कि हमें ऐसे बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों का को देखना है, या इसे बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों के जो जो उनका जो व्यक्तित्व है उसका एक इस तरीके से विकास करना है, उस तरीके से हमको उसको डेवलप करना है कि वाकई में वो न केवल नेशनल स्तर पर वरन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर नागरिक साबित हो सके। इसके अलावा मतलब जो जो समस्याएं हैं सोसाइटी की, जो समस्याएं हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको भी कहा गया है कि भाई अब आपकी एजुकेशन है वो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन में वो चीज़ होनी चाहिए कि आप जो समाज की जो समस्याएं हैं, यानी कि जो लोकल स्तर पर जो समस्याएं हैं या स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उसका समाधान आपका उस स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। और इसमें ये भी एक प्लानिंग की गई है कि 2040 तक, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज से ही हम परिवर्तन जो भी कुछ चीज़ करें तो वो आज अगर हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो शायद उसका रिजल्ट हमारे को अगले 10-15 सालों बाद या 20 सालों के बाद में वो रिजल्ट आप दिखाई देगा। अब इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, ये सारे बैरियर्स जो हैं कि भाई आपके सबसे पहले तो जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने, अब उसमें आपके इंस्टीट्यूशंस का ये नहीं है कि एक आपने एक साल इस इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन ले लिया तो अब आपको तीनों साल आपको इसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना पड़ेगा, या ये जो यूनिवर्सिटी से है वो एफिलिएशन आपने आपके कॉलेज का है तो अब आप दूसरी, अभी तो ये स्थिति है कि आपका मान लो जैसे एफिलिएशन, मान लो आपने सेकंड ईयर कर लिया, यहाँ से फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, और थर्ड ईयर में आप अगर यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी जो नियम है, जो पुराने नियम है, उसमें यही है कि भाई आपको जिस यूनिवर्सिटी से आपने लगातार 2 साल पढ़ा है तो 3 साल की डिग्री में आपको तीसरे साल भी वहीं से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन एक जो होने वाला है, और हम जो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से मैं आपको बोलता हूँ, वो ये होने वाला है कि अब आपका जो फैकल्टी का जो अलूफनेस है या जो एकाकीपन है फैकल्टी पर, मतलब कि जैसे मैं मान लो कि मैं जुअलॉजी, अब मैं मेरे पास क्या है, जैसे मैं BSc करना चाहूँ और BSc मैथमेटिक्स में करूँगा तो मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मैं मैथ पढ़ूंगा और मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना मेरे को जरूरी है। अब मेरे को फिजिक्स नहीं पढ़ना है, मेरे को मैथ नहीं पढ़ना है, मेरे को तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, फिर मान लो मुझे अब बॉटनी पढ़ना है, या मुझे बॉटनी भी नहीं पढ़ना है, मुझे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, तो इस सिस्टम में आपका ये पूरी स्वतंत्रता विद्यार्थी के पास में है। पहले स्वतंत्रता किसके पास थी, वो जो स्वतंत्र आपको ये दे हम कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें से आप अपनी सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए। चलिए आर्ट्स में तो हमारे क्या होता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं तो आपको चॉइस भी रह जाती है, बट साइंस में आपके पास जहाँ मान लीजिए इस कॉलेज में आए आपको, तो आपको अगर नहीं भी इच्छा है तो आपको अगर बायो से पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बॉटनी पढ़ना पड़ेगा, जुआलॉजी पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप उस केस में अगर मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहें तो वो मैथमेटिक्स पढ़ने का भी ऑप्शन आपके पास में नहीं रहेगा। बट ये है कि ये
जब सिस्टम, जब आपकी मतलब सरकार की ये मंशा है कि 2030 तक आते आते, सरकार की ये एक और भी मंशा है कि हर कॉलेज को एक ऑटोनोमस कॉलेज बना दिया जाए, ऑटोनोमस कॉलेज बना के वो करिकुलम अपना डिसाइड करे, डिग्री कैसे देनी है वो डिसाइड करे, ये सारी चीज़ें। और हर जिले में एक बेहतरीन एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर होगी हर जिले। और उसमें ये देखिए, अब आपका ये नहीं है कि मुझे सिर्फ आपका ये नहीं करनी है कि मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है। मान लीजिए मैं पारंपरिक रूप से मैं किसी गायन वाले परिवार से जुड़ा हूँ या कोई नृत्य वाले परिवार से जुड़ा हूँ, इस कंडीशन में तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना है। लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप देखिए यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पोस्ट क्रिएट होने वाली है और हो चुकी है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है कि मुझे गाना बहुत अच्छा आता है, परंपरागत मान लीजिए कोई राजस्थान में जैसे मांड गायन, अगर कोई मांड गायन कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उस कंडीशन में यह है कि अपना जीवन यापन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई कहीं जाके गालिए, कहीं प्रोग्राम करिए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप यूनिवर्सिटी में जो आपका जो नॉलेज आपने ओवर द ईयर्स आपने गेन किया है, आपकी पीढ़ियों से जो आपके पास में इनहेरिटेंस है, आपके पास में जो इनहेरिटेंस के रूप में जो ज्ञान आपके पास में है, वो ज्ञान आप लोगों को दे सकते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में आपकी सिर्फ ह्यूमैनिटीज जो है, ह्यूमैनिटीज, और पहले तो ये माना जाता था कि भाई साइंस पढ़ने वाले ही सबसे बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है या उनके उनका कुछ भी कोई खास इम्पॉर्टेंस नहीं है। बट इस परिस्थिति, इस नई जो शिक्षा नीति है उसमें आपको ये एक ऑप्शन मिल गया है कि आप स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करना चाहें, स्पोर्ट्स के बारे में, इसको स्पोर्ट्स के फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहें, आपके पास ऐसी कोई कला है जो कि मान लीजिए कि वो विलुप्त प्राय हो रही है, तो उसकी उसको भी आप लोगों को स्टडी करवा सकते हैं।